तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मन्ना जो के खानों के खान किंग खान शाहरुख खान का घर है। और गाइस हमारे तुम्हारे सबके हम सबके भाईजान सलमान भाई के घर के आगे हूँ मैं अभी। और गाइस देख सकते हैं ये सलमान भाई का ही घर है। और गाइस आप देख सकते हैं पीछे वाली साइड है, बैक साइड में यहाँ पे ज्यादा आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी और आप आराम से ऊपर तक जाके देख सकते हैं। गाइस जब भाई का बर्थडे होता है तो आप लोग देख सकते हैं पीछे साइड में जो आपको एक पर्दा दिख रहा है, भाई यहीं से ही आते हैं अपने फैन लोगों को देखने के लिए। यही वो जाल है जहाँ पे शाहरुख खान ईद या बकरीद पे या अपनी बर्थडे पे अपने फैंस लोगों को देखने के लिए आते हैं। पूरा का पूरा एरिया भरा होता है एकदम चकाचक। गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी मन्नतें लेके आ रहे हैं लेकिन किसी की एक की भी मन्नत पूरी नहीं हुई। नहीं गाइस देखो ये बैक साइड से आपको कुछ इस तरीके से दिखता है मन्नत। और इसका एक गेट सेकंड वाला गेट है जो कि किसी को पता नहीं है क्योंकि शाहरुख खान सर यहीं से निकलते हैं। अच्छा मैं अभी हाई कर दे रहा हूँ, शायद जो है शाहरुख खान सर मुझे देख ले। गाइस सारे के सारे खान जो है ना वो बैन स्टैंड पे रहते हैं, सलमान खान शाहरुख खान सोहेल खान। अभी तक आप लोग गोवा का ब्लॉग देख रहे थे लेकिन अब गाइस बम्बई के ब्लॉग देखो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो गाइस। Assalamualaikum everyone, welcome to my new vlog। तो guys कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो guys आप लोगों ने thumbnail and title में तो देख ही लिया होगा। guys मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता। अच्छा बट फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि नहीं बताऊंगा तो आप लोग देखोगे ही नहीं, वीडियो को क्लिक ही नहीं करोगे, वीडियो देखोगे नहीं। तो गाइस आज हम जा रहे हैं मन्नत जो के बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का घर है। मतलब आपको मत सिखा। सो लेट्स गो गाइस। अभी मैं निकल चुका हूँ बिल्डिंग से, सोच तो रहा था आप लोगों को थोड़ा बिल्डिंग के नजारे करा दूं, फिर मैंने सोचा रहने दो फिर किसी दिन कराएंगे क्योंकि अभी मैं थोड़ा लेट हो गया, हर बार लेट ही हो जाता हूँ, इस बार भी थोड़ा लेट हो गया। तो गाइज मिलते हैं डायरेक्ट बांद्रा बेस्ट में। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ बांद्रा बेस्ट में और गाइज आप लोग ये मेरे पीछे देख रहे हैं कोई घर नहीं कोई होटल नहीं है, गाइज ये है बांद्रा का रेलवे स्टेशन। और गाइज यहाँ पे काफी सारी शेयरिंग ऑटो और टैक्सी मिल जाएंगे आपको बैंड स्टैंड जाने के लिए। गाइज देख सकते हैं कितना जबरदस्त है ये बांद्रा का रेलवे स्टेशन। मैं तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि स्टेशन है, मैं तो समझा और कुछ है, बट जब मैं इस साइड में आया तो मैंने देखा भाई ये तो रेलवे स्टेशन है। और गाइज अभी यहीं से शेयरिंग ऑटो या टैक्सी मिल जाता है, मैं शेयरिंग ऑटो पकड़ के और डायरेक्ट निकलता हूँ गाइज बैन स्टैंड के लिए। तो सो गाइज लेट्स गो। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ बैन स्टैंड, इस टाइम मैं आ चुका हूँ हमारे तुम्हारे हम सब के भाईजान सलमान भाई के घर के आगे। और गाइज ये पीछे आप देख रहे हैं यही है सलमान भाई का घर जो कि गैलेक्सी अपार्टमेंट इसका नाम है। और गाइज देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी है और इधर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं। हो सकता है भाई अंदर ही वो देख रहे गाइस, अब BMW मर्सिडीज ऑडी काफ़ी सारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। और गाइस अभी उधर साइड में सिक्योरिटी भी है, उनके गार्ड भी खड़े हैं, हो सकता है भाई अंदर ही हो। गाइस मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ कि जब बर्थडे होता है या ईद होती है तो सलमान खान के फैंस पूरे इस एरिया में भरे होते हैं, मतलब ये पूरा एरिया कवर कर चुके होते हैं, यहाँ पे सारी की सारी भीड़ लगी होती है। तो वो अपने फैंस से मिलने के लिए अपने फैंस को देखने के लिए कहाँ पे आते हैं वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। गाइस ये जो सामने आपको दिख रहा है गाइस यही है वो पर्दा, और गाइस यही पर्दा ओपन होता है और सलमान खान यहीं से निकलते हैं, अपने फैंस लोग को देखते हैं, उन्हें हाई करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। और गाइस आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं भाईजान के घर के आगे। गाइस गया गैलेक्सी अपार्टमेंट का मेन गेट और हर वक्त भाई के बाउंसर्स और पुलिस वाले यहां पे गेट पे खड़े रहते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट पे। और गाइस ये बैन स्टैंड बांद्रा में, और गाइस देख सकते हैं यहां पे हर वक्त सिक्योरिटी। गाइस जब भाई का बर्थडे होता है तो आप लोग देख सकते हैं पीछे साइड में जो आपको एक पर्दा दिख रहा है, भाई यहीं से ही आते हैं अपने फैन लोगों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अभी काफी सारे लोग आ रहे हैं इनके घर के आगे फोटोज वगैरह खींचने के लिए। साइड भी मैंने भी एक फोटो खिंचवा लिया, भाई लोगों ने खींच दिया एक फ़ोटो क्योंकि तो मेरे साथ तो कोई है नहीं, तो मैंने भाई से अपने एक फ़ोटो खिंचवा लिया भाई के घर के आगे। और गाइस अभी हम जा रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के घर की साइड में, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान सोहेल खान। गाइस सारे के सारे खान जो है ना वो बैन स्टैंड पर ही रहते हैं, सलमान खान शाहरुख खान सोहेल खान। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस शाहरुख खान किंग खान के घर पे। तो गाइज इस टाइम पे मैं अभी जो है शाहरुख खान के घर पे जा रहा था भाई मन्नत में, और गाइज अभी जाते जाते मैं रास्ते में रुका और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
इन लोग के घर से कितना जबरदस्त व्यू दिखता है गाइस, सो अमेजिंग व्यू, अरेबियन सी व्यू दिख रहा है गाइस। और गाइस ये जो सीधी रास्ता है ना कि डायरेक्ट जो है शाहरुख खान के घर की साइड में जा रही है, और इस साइड जो रास्ता देख रहे हैं आप ये जा रही है सलमान खान के घर के साइड में, उस बिल्डिंग के पास सलमान खान की बिल्डिंग है वहीं पर ही उनका घर है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है गाइस, बहुत ही सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, जगह जगह बैठे हैं अरेबियन सी व्यू का मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस अभी मैं भी जा रहा हूँ मन्नत की साइड में, तो गाइस चलते हैं उसी साइड। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मन्नत के सामने, जो कि खानों के खान किंग खान उनका घर है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और गाइस उनके घर के ठीक बराबर में एक ऊँची सारी बिल्डिंग है, और आप लोग यहीं पर ही आएंगे तो आपको दिख जाएगा पूरा एरिया बैठने के लिए बढ़िया सारा बना रखा है खान साहब के घर के आगे पूरा। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मन्नत के आगे, और गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी मन्नतें लेके आ रहे हैं, लेकिन किसी की एक की भी मन्नत पूरी नहीं हुई, क्योंकि गाइस शाहरुख खान मिले ही नहीं है किसी को, लेकिन लोग खाली ऐसे यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं उनके घर के आगे, तो कह रहे हैं हमारे लिए फ़ोटो ही बहुत हैं, वो मिले या ना मिले। गाइस ये जगह देखो गाइस, यही वो जाल है जहाँ पे शाहरुख खान ईद या बकरीद पे या अपनी बर्थडे पे अपने फैंस लोगों को देखने के लिए आते हैं गाइस, ये पूरा का पूरा एरिया भरा होता है एकदम चकाचक। सारे लोग आ रहे हैं अभी इस टाइम पे यहाँ पे शाम के टाइम पे, बहुत ही सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं जगह जगह। तो गाइस यही है वो जगह जो आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे ईद हो या फिर शाहरुख खान का बर्थडे, शाहरुख खान इसी जगह पे खड़ा होता है, और गाइस पूरे एरिया में उनके फैंस खड़े होते हैं, इस पूरा एरिया खचाखच भरा होता है पब्लिक से, शाहरुख खान यहाँ पे ईद या अपनी बर्थडे पे आते हैं। गाइज अभी आप लोगों ने जो है आगे साइड से तो देख लिया फ्रंट साइड से, अभी गाइज मैं जा रहा हूँ पीछे साइड में मन्नत के, ये जो एक साइड में गली है ये रास्ता जा रही है डायरेक्ट ऊपर तक, तो अभी मैं भी इधर ही जाके देखता हूँ। तो गाइज ये जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं ये कोई आम घर नहीं है गाइज, ये है मन्नत जो कि खानों के खान किंग खान शाहरुख खान का घर है। और गाइज आप देख सकते हैं पीछे वाली साइड है, बैक साइड में यहाँ पे ज़्यादा आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी, और आप आराम से ऊपर तक जाके देख सकते हैं गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है शाहरुख खान के घर से ही आप देख सकते हैं सामने ही है अरेबियन सी व्यू, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू जहाँ से आता है गाइस। देखो जगह जगह गाइस कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं भी हाई कर दे रहा हूँ, शायद जो है शाहरुख खान सर मुझे देख लें अपने सीसीटीवी कैमरे में। गाइस देखो ये बैक साइड से आपको कुछ इस तरीके से दिखता है मन्नत, और इसका एक गेट सेकेंड वाला गेट है जो कि किसी को पता नहीं है क्योंकि शाहरुख खान सर यहीं से निकलते हैं। गाइस शाहरुख खान के घर के साइड में चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड और गाइस कैमरे वगैरह लगे हैं कि कहीं से कुछ हो ना जाए, और गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है गाइस। मेरे कहने कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे तो बोले आप बम्बई के अंदर हैं तो आप जो है मन्नत जाओ शाहरुख खान का घर हमें दिखाओ, तो गाइस स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो कि मन्नत देखना चाहते थे, मेरी भी तमन्ना थी कि मन्नत देखूंगा तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने मन्नत देख ली और आप लोग को सारा का सारा दिखा दिया। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। गाइज अभी मैं जा रहा हूँ अरेबियन सी व्यू देखने के लिए, क्योंकि गाइज सनसेट होने वाला एक नंबर लग रहा है भाई इस टाइम पे, और गाइज बहुत सारे लोग हैं, पूरा चकाचक भरा पड़ा है शाहरुख खान के घर के आगे। गाइज आप लोग देख सकते हैं कि सारी की सारी जो है बैठने के लिए जगह बना रखी है कि उनके फैंस यहाँ पे बैठ कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना होए, दिक्कत ना होए, यहाँ पे बैठे हैं शाहरुख खान के मन्नत बंगले के आगे। और गाइस सामने ही है अरेबियन सी व्यू, और गाइस ये है रोड, एकदम ज़बरदस्त माहौल है गाइस, बहुत ही अच्छा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मन्नत से जन्नत में, क्योंकि गाइस ये है जन्नत और वो है मन्नत, और गाइस बहुत ही ज़्यादा यार ज़बरदस्त माहौल है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जन्नत में आया समंदर के साइड आया, वैसे ही पुलिस वाले आ गए, वो सीटी मार मार के सारी पब्लिक को भगा रहे हैं क्योंकि लहरें आ रही हैं गाइस तेज तेज, इसलिए यहाँ पे किसी को भी वो आने नहीं दे रहे हैं। बट मैं चुपचाप दूसरी साइड में आ गया, मैंने कहा भाई हम तो चले जाएंगे, कुछ ना कुछ कड़ा बड़ा पहना दो इनको, क्योंकि हमारा एक दोस्त है भाई वो बहुत लोगों को कड़ा पहनाता है, तो मैं भी इनको कड़ा पहना के दूसरी साइड में आ गया। और गाइस शाहरुख खान का घर यहाँ से भी दिख रहा है, और गाइस देखो सनसेट हो रहा है कितना जबरदस्त लग रहा है। तो गाइस आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस आज मैंने दिखाया आप लोगों को
किंग खान का घर, जो कि बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान, मैंने आपको उनका घर दिखाया मन्नत। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बम्बई के अभी और भी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं और आते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिनों तक बम्बई एक्सप्लोर करूँगा। अभी तक आप लोग गोवा का ब्लॉग देख रहे थे, लेकिन अब गाइस बम्बई के ब्लॉग देखो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो गाइस, ऑन करके रख दो बेल आइकन को कि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आप लोग उस वीडियो को देख सको। और गाइस आज आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो गाइस मेरी टाइमिंग है शाम के 5 बजे। गाइस मैं 5 बजे ही वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब जिस दिन भी करूँ, एक दिन छोड़ के या डेली, लेकिन मैं शाम को 5 बजे ही वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई आपकी टाइमिंग क्या है, तो मैंने उनको टाइमिंग भी बता दी है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। A broken neighbor is your mind. All the scars are